गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज आपको क्लास सिक्स मैथ एक्सरसाइज 2.5 बताए थे, कल लगवाए थे। उसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर टू का एलेवेंस, 40 - 5 × 2 ऑफ 3 + (19 - 3)/8। तो इसमें बताए थे पहले इसी एम पे लगाएंगे इसको, बोर्ड मास पे ये बताए थे। तो बोर्ड मास में पहला जो होता है ब्रैकेट है, उसके बाद ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो पहले इसमें देखिए ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इसको पहले करेंगे -5 × 2 ऑफ 3, 19 में 3 माइनस कर देंगे, +16 / 8 हो गया। अब उसके बाद ब्रैकेट के बाद ऑफ करेंगे तो 40 - 5 × 2 = 6 ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 = 6 +16 / 8। अब इसमें जो है देखेंगे माइनस भी है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, डिवाइड है। तो बोर्ड मास पे देख चेक करेंगे, पहले डिवीजन होगा 40 - 5 × 6 प्लस, अब इससे इसमें डिवाइड कर दीजिए, 8 × 2 = 16 हो गया। अब क्या करेंगे, अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस है तो पहले मल्टीप्लाई होगा, 40 × 5 = 6 = 30 हो गया, फिर +2। अब क्या होगा, अब पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 30 और 2 ऐड कर देंगे, 40 + 2 = 32। अब 40 में से 32 माइनस किया जाएगा 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे (25 - 20 - 10) ब्रैकेट में लिखिए 7 - 5 - 3 बार 20। ये है, देखिए इसमें अभी हम बताए हैं ब्रैकेट के लिए भी सीरियल नंबर ब्रैकेट का भी होगा। ब्रैकेट में देखिए पहले बार स्मॉल ब्रैकेट करली और ये चीज़ का ध्यान देना होगा, सबसे पहले बार को होल करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट। ठीक, सबसे पहले बार ब्रैकेट हल किया जाएगा, बार के बाद स्मॉल, स्मॉल के बाद करली, करली के बाद लार्ज ब्रैकेट। तो इसमें जो है देखिए बार भी है, स्मॉल ब्रैकेट भी है, करली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट सभी हैं। तो पहले सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल किया जाएगा। देखिए -20 - 10 = 7 हो गया। अब 5 से 3 माइनस कर देंगे, 2 - 2 ये हुआ। अब उसके बाद फिर यही लिखिए 25 - 20 - 10। अब देखिए 7 × 2 माइनस कर देंगे, 5 ये हो गया। अब इसको करने के बाद 25 - 20 = 50 - 50
ये हो गया। अब उसके बाद ट्वेंटी फाइव इसे हम माइनस कर देंगे, माइनस थर्टी ब्रैकेट से बाहर आएगा, ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी इक्वल फिफ्टी फाइव, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसका 48 डिवाइड 18 माइनस 63 डिवाइड 7 माइनस 18 माइनस 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 ये आपका हो गया, ये ध्यान देना है। देखिए इसमें जो है कर्ली ब्रैकेट है नहीं, तो ये देखेंगे मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट, ठीक। देखिए इसको पहले, सबसे पहले 48 डिवाइड 18 माइनस 63 डिवाइड 7 ये हो गया माइनस। अब इसको हल कर दीजिए। देखिए इसमें पहले क्या करेंगे, ये माइनस भी है प्लस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो पहले इसको ऐसे किए रहिए, 18 माइनस 5 प्लस 6 ये हो गया। और उसके बाद फिर 48 डिवाइड 18 माइनस 63 डिवाइड 7 माइनस, अब इसको करिए 5 6 11 18 माइनस 11 और 48 डिवाइड 18 माइनस 63 डिवाइड 7 माइनस, इसको कर दीजिए 18 और ये 11 माइनस कर देंगे 17 7 और माइनस, ये हो गया। अब उसके बाद अभी ब्रैकेट को हल करिए, 48 डिवाइड 18 माइनस 7 9 63 9 हो गया माइनस 7 ये हो गया। अब उसके बाद 48 डिवाइड 18 9 में 7 माइनस कर देंगे 2 हो गया माइनस 2। अब 48 डिवाइड 18 में 2 माइनस करेंगे 16 और 16 थ्री जा 48 ये आपका आंसर है। देखिए इसमें ध्यान देने की बातें क्या है कि ब्रैकेट को ध्यान दिया जाएगा सबसे पहले और प्लस और माइनस, अगर ब्रैकेट से पहले ठीक पहले माइनस है तो उसकी ब्रैकेट के अंदर के सभी साइन क्या कर दिए जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बदल जाएंगे। अब ब्रैकेट में ये पता ही है सबको, सबसे पहले बार फिर स्मॉल ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट
फिर लार्ज ब्रैकेट को हल करेंगे और बोर्ड मास का भी ख्याल रखेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसी के सीरियल नंबर पे हल करते जाएंगे। ये सिंप्लीफिकेशन में इसमें यही है, और इसके आगे भी कुछ सवाल हैं, इसको आप करिए। इसके बाद आगे की एक्सरसाइज अगले दिन बताएंगे। धन्यवाद।